स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 के लिए हमें एक मेथड स्टडी करना होगा जिसमें फोर स्टेप्स है। तो नाउ स्टेप फर्स्ट, चेंज द इक्वेशन फॉर्म, यानी जो लीनियर इनइक्वालिटी दिया होगा उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे। सेकेंड स्टेप, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस आर फाइंड पॉइंट टेबल, इट मीन्स हम इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस फाइंड करेंगे। क्लियर? ओके, अभी हम करके बताते हैं क्या करना होता है। इट मीन्स हमें उस इक्वेशन के लिए टेबल फाइंड करेंगे और टेबल में हम बहुत सारे पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक्स और वाई एक्सिस पर जो कट करेगा उस पॉइंट को फाइंड करना कंपलसरी। क्लियर? स्टेप थर्ड, ड्रा ग्राफ विद हेल्प ऑफ टेबल, यानी जो स्टेप सेकंड में हमने टेबल बनाया था उसकी हेल्प से हम एक ग्राफ बनाएंगे। क्लियर? नाउ स्टेप फोर, पुट वैल्यू 0.0, इट मीन सेंटर, यानी सेंटर की जो वैल्यू होती है 0.0 हम उस इनइक्वालिटीज में पुट करेंगे। इफ सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या हुआ, जैसे समथिंग कहीं दिया है x plus y is greater than 5, अब आपने सेंटर वैल्यू यहां पुट कर दी, इट मींस x is equal to 0 एंड y is equal to 0 देन दिस, तो इट मींस 0 is greater than 5, तो क्या ये ट्रू है, सेटिस्फाइड कर रहा? नो, क्योंकि 0 is less than 5, तो दिस इज फॉल्स। तो अगर ये 0.0 सेंटर हम पुट करते हैं उस इनइक्वालिटी में और सेटिस्फाइड नहीं करते, इट मींस फॉल्स हो जाता है, तो हम ये केस लगाएंगे, इफ 0.0 इज नॉट सेटिस्फाइड देन सॉल्यूशन रीजन इज द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, इट मींस जब हम फिगर बनाएंगे ऐसे, क्लियर, तो सम इट मींस दिस इज हियर इक्वेशन ऑफ, क्लियर, तो ये जो इक्वेशन फॉर्म में चेंज करते हैं अगर उसकी ये लाइन बन रही है, तो इट मींस जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो जो सेंटर है जिस तरफ उसके अपोजिट साइड में होगा, मतलब इधर होगा। क्लियर? और अगर सेटिस्फाइड कर दिया, जैसे समथिंग यहां ये दिया होता, क्लियर, तो देन सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड जब करता तो इस लाइन के उस तरफ सॉल्यूशन रीजन होता जिस तरफ आपका सेंटर होता, तो वही लिख दिया गया, इफ 0.0 सेटिस्फाइड देन सेंटर रीजन इज द साइड ऑफ सेंटर, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर? तो आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या कह रहा है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन हियर फर्स्ट, x plus y इज लेस देन 5। क्लियर? सो हियर फर्स्ट स्टेप इज चेंज इन इक्वेशन फॉर्म। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म में चेंज करते हैं इसको, तो देन x plus y इज इक्वल टू हियर 5। क्लियर? नाउ सेकंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या करते थे स्टूडेंट, हम टेबल फाइंड करते थे, और मैंने कहा टेबल में बहुत सारे पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस होता है, इट मींस एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है। क्लियर? तो इट मींस हम एक टेबल बनाते हैं एक्स एंड दिस वाई, तो अगर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, इट मींस दिस इज हियर एक्स एंड दिस इज हियर वाई, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस पर कट कर रही है, तो इट मींस x पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर? तो x एक्सिस के लिए जब कर रहे हो तो y = 0 ले लो, तो ये y = 0 इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, y = आपने 0 पुट किया, तो देन x + 0 = 5, इट मींस x = हियर 5। क्लियर? समझ में आ गया कैसे मैंने फाइंड किया? अब हम क्या करते हैं y एक्सिस के लिए करते हैं, तो y एक्सिस में x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मैंने 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो दो पॉइंट फाइंड करना कंपलसरी होता है, तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस हो गए। क्लियर? इट मींस इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया और इस पॉइंट को बी, ए पॉइंट हियर 5.0 एंड बी पॉइंट हियर 0.5, क्योंकि आप पहले एक्स लिखते हैं फिर बाद में वाई लिखते हैं, तो यहां दो पॉइंट आपने फाइंड किए, एक ए 5.0 और दूसरा पॉइंट बी 0.5। क्लियर? सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या कह रहा था, ड्रा ग्राफ विद हेल्प ऑफ टेबल, तो हम टेबल की हेल्प से हम ग्राफ बनाते हैं। क्लियर? तो स्टेप थर्ड, तो उसमें हमें क्या करना होगा, हमने एक्स एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस बना लिया। क्लियर? अब हम 5.0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हम प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव। क्लियर? तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यूज गिव होती है, तो दिस इज हियर 5.0, इट मींस दिस इज पॉइंट हियर ए एंड हियर 0.5, तो एक्स
इक्वल जीरो, इट मीन्स वाई एक्सिस पर होगा, तो 1 2 3 4 5 दिस पॉइंट, ये 0 कॉमा 5 एंड दिस ईयर बी। क्लियर? अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं एक दूसरे से। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो लाइन की क्वेश्चन है क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हियर 5। ओके, अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया, अब हम फोर स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 4, पुट वैल्यू 0,0 इन इनक्वालिटी। तो स्टेप नंबर 4 जब आप करते हैं, 4 8 0,0, तो 8 0,0 इनक्वालिटीज में रखते हैं, पुट वैल्यू 0,0 इन इनक्वालिटी। तो इनक्वालिटी ये थी आपकी, इट मींस 0 प्लस 0 लेस देन 5, इट मींस 0 इज लेस देन 5, तो दिस इज सैटिस्फाइड। क्लियर? तो 8 0,0 सेंटर इज सैटिस्फाइड। क्लियर? तो मैंने कहा था जब सेंटर सेटिस्फाइड करता हो तो आपका ये फर्स्ट केस आप फॉलो करेंगे कि साइडेड रीजन इज द साइड ऑफ सेंटर, मतलब जो साइडेड, जो यहां रीजन आप साइडेड करेंगे क्लियर, वो कहां होगा, सेंटर की तरफ होगा और वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आइए हम यहां देखते हैं ये लाइन थी, ठीक, तो इसका जो रीजन होगा, सॉल्यूशन रीजन जो होगा, सेंटर कहां है, ये रहा सेंटर आपका 0,0। तो इस लाइन के दो ही साइड्स बनते, अपर एंड दिस लोअर, तो लोअर साइड जो होगा वही सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। बट यहां एक चीज आपको माइंड में रखनी होगी, हियर ओनली लेस देन, तो जब लेस देन दिया है तो जो हम लाइन ड्रा करेंगे, इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं आपकी, जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ये होगा। लेकिन याद रहे, इफ गिवन हियर इक्वल, तो अगर इक्वल होगा तो इस लाइन को टच करते हुए लाइन हम खींचेंगे, बट इफ हियर लेस देन आर ग्रेटर देन, तो जो सॉल्यूशन रीजन होगा उस लाइन, उस बाउंड्री को हम टच नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट इक्वल। तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन होगा ये होगा। Clear? बस थोड़ा सा, इट मींस इस लाइन से थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखेंगे, क्योंकि उस लाइन को हम टच नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि बस उस लाइन के नजदीक से, यानी नियरेस्ट से नियरेस्ट पॉइंट हम ले सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन। क्लियर? हेंस सैडेड रीजन इज द, जो आपने यहां लिखा था, साइड ऑफ सेंटर। ठीक,